नमस्ते दोस्तों, देसी भोजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा, और बहुत ही आसान है बनाना दोस्तों। और ठंडे के मौसम में जानते हो आजकल आंवले का भी सीजन है, तो चलिए मैं आपको गर्मा गर्म मुरब्बा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने आंवला ले लिया है और अब इसे धोना बाकी है। सबसे पहले मैं इसको धोऊंगी। ऐसे अच्छी तरह से हम आंवले को धो लेंगे। धो के एक थाली में अभी मैं निकाल लूंगी। देखिए दोस्तों, हमने आंवला धो लिया है। अब मैं इसमें, देखिए हमारे पास काटा है, काटा से हम अंदर तक इसमें छेद करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारे मुरब्बा में काटा के सहारे से उसमें छेद कर लिया है, ठीक है, पूरा हो गया है। अब इसको मैं कुकर में उबालूंगी। देखिए, हमने कुकर में ले लिया है आंवले को। अब इसमें मैं एक गिलास पानी डालूंगी। जैसे कि आपको पता है आंवला थोड़ा कड़वा भी होता है, तो मैं तो कुछ इसमें नहीं डाल रही हूँ। और हाँ, आपको अगर कड़वापन नहीं चाहिए हल्का फुल्का, तो आप इसमें फिटकरी थोड़ा सा आप फिटकरी डाल के उबाल सकते हैं। फिटकरी डालने से कड़वापन दूर हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमने आंवला उबाल लिया है। एक सीटी लिया था हमने उबालने के लिए। इसमें से अब पूरा पानी मैं निथार दूंगी। ऐसे ही रख देती हूँ कि पूरा पानी झर जाए अच्छी तरह से, पानी इसमें ना रहे। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें ज्यादा हीट नहीं करना है, एकदम कम में, मतलब मीडियम में सीरा बनाना है। और देखिए, हमने एक किलो, पूरा एक किलो का पैकेट ही रख लिया है शक्कर का। एक किलो आंवला था हमारा और एक किलो ही शक्कर हम डालेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इसमें मैं पानी नहीं डालने वाली हूँ, बिना पानी का ही सीरा मैं बनाऊंगी। और बिना पानी के सीरे से ये होता है कि जल्दी आपका सीरा खराब नहीं होता है, उसमें आंवला भी पड़ता है। मुरब्बा बना रहे हैं तो मुरब्बा आपका जल्दी खराब नहीं होगा। अगर पानी आप डाल देंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा वो, इसलिए मैंने एकदम से मीडियम आंच किया हुआ है। और इसे मुझे आराम से ऐसे एकदम मीडियम आंच पे पकाना है बिना पानी का। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ये भी तैयार हो रहा है और इसमें मैंने पानी डाला ही नहीं है, जैसे कि आपको बताया था पहले। एकदम मीडियम आंच पे अपने आप ही गलेगा। इसमें थोड़ा हमें मेहनत लगानी पड़ेगी, हमेशा इसको चलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सीरा धीरे धीरे तैयार हो रहा है, एकदम मीडियम आंच पे हमने रखा है। थोड़ा सा समय लगेगा,
बिना पानी का सीरा आप बनाएंगे तो आप कुछ दिनों तक मुरब्बा खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे खराब हो जाता है अगर पानी डालेंगे तो। देखिए दोस्तों, सीरा गल गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी है और जैसे कि ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं आपको शक्कर के, तो इसी में हम अब ये मुरब्बा डाल देंगे और जब तक पूरा दाना अच्छी तरह से गल ना जाए तब तक हमें ऐसे ही चलाना है। देखिए दोस्तों, मुरब्बा बनके तैयार है। और अब इसे मैं इसी में छोड़ दूंगी, ठीक है। शक्कर भी पूरा गल गया हमारा, इसको मैं बाहर निकालूंगी नहीं, इसी में रहने दूंगी। और हाँ, स्वाद के लिए आप इसमें इलायची भी डाल सकते हो, स्वाद बढ़ाने के लिए। मैंने इलायची नहीं डाला है मुरब्बे में। ये देखिए दोस्तों, मुरब्बा बनके तैयार है। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल देसी भोजन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।